लेकिन इस फिल्म के बाद एक भमास आपको स्टारडम मिला है। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या है, कहाँ से आप आती हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, पहला काम क्या था और अब यहाँ तक पहुँचने का सफर? मैं एक दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बिकॉज मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ और मेरी बहुत अच्छी एक डेस्क जॉब हो, सेफ और डेस्क जॉब, ज़्यादा कोई टेंशन ना हो। पर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर्स में। मैं थिएटर करती थी जब मैं कॉलेज में थी, पर एक्टर बनने का सपना नहीं सोच सकती थी, बिकॉज मैं जिस फैमिली से आती हूँ बहुत ही कॉन्जर्वेटिव और थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है। ऐसे सपने देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एंड मैं जॉब कर रही थी, मुझे हमेशा से अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना था। एंड वही जॉब करते करते मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी। और वो करते करते एक दिन मैं एक गलत एड्रेस पे चली गई जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था एक एड का, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप क्या ये ऑडिशन दे सकती हैं। तो मैं वैसे तो गट्सी हूँ लाइफ में मुझे नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगी। मैंने कर दिया और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप इस ऑडिशन के लिए आपको हमने सेलेक्ट कर दिया। और मैं बड़ी खुश हो गई कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कितना अमेजिंग। और एक दिन में कुछ 15-17 हज़ार रुपये मिल रहे थे और मैं सिर्फ 20-21 साल की थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है यार, एक दिन में मतलब इतने पैसे कमा सकते हो आप। बट उसके बाद मुझे बहुत कॉल्स आने लगे, पर मैं जॉब भी कर रही थी वो टाइम पे। पर मेरे लिए वो भी स्टेबिलिटी जो एक एक्टर की होती है ना, कि लाइफ में आपको पता नहीं है कब काम मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो मैं वो भी नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, मेरी स्टेबल लाइफ है, मैं एक्टर बन जाऊंगी, पता नहीं पैसे कब आएंगे नहीं आएंगे। काम मिला, पहली बार में मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन मुझे भी पता है कि मैंने कोई एक्टर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है एक एक्टिंग की, या ये तो सिर्फ इसलिए मिल गया बिकॉज इनको कोई शायद नई लड़की चाहिए होगी, नया लुक था, ठीक है सुंदर दिख रही होंगी इसलिए लिया। बट उसके ज्यादा तो मेरे अंदर कुछ है नहीं ना, मुझे एक्टिंग तो नहीं आती है, मैंने थिएटर किया है बट मुझे एक्टिंग एज अ क्राफ्ट नहीं आती है। तो 1-1.5 महीना मैं अपनी जॉब करती रही, फिर भी मुझे बहुत कॉल्स आने लगे, मैंने 2-3 एड्स और कर लिए। फिर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सुबह 8 से 10 में जाती थी ऐसे बैग में अपने 4-5 लुक्स लेके, ऑडिशन देती थी, फिर उसके बाद जॉब आती थी, जॉब करने के लिए जाती थी, तो कभी कभी लेट भी हो जाती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं ना यहाँ पे कुछ दे पा रही हूँ ना मैं वहाँ पे कुछ दे पा रही हूँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू रिग्रेट इन माय लाइफ, जब मैं ऐसे बूढ़ी हो जाऊं और ऐसे अपने बच्चों को बोलूं कि हाँ मुझे ऑफर्स तो आते थे पर मैंने कुछ किया नहीं उसके बारे में, तो वो मोमेंट पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं अपने आप को 6 महीने दूंगी, और अगर 6 महीने में मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और इफ आई गेट गुड वर्क तो मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना मैं अपनी जॉब वापस कर लूंगी। मुझे स्टेबिलिटी बहुत पसंद है मैं नहीं रह सकती ऐसे कि बस, क्योंकि मैं जब मैं 16 और 17 की थी तब से मैं इंटर्नशिप करी हूँ, मैंने घर वालों से कभी पैसे ही नहीं लिए। तो अचानक से ये लाइफ लेना जीना डिपेंडेंसी ऑन एनीबडी, तब तक मेरी काफी सेविंग्स भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं 6 महीने निकाल लूंगी अपने पैसों पे, अगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ बैक टू जॉब, नहीं करनी एक्टिंग। पर वो 6 महीने में मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर, बहुत ऑडिशन दिए, बहुत वर्कशॉप्स की। एंड मेरा पहला एड मुझे मिला सलमान सर के साथ, बड़ा एड्स मैं बहुत कर रही थी पर सलमान सर के साथ जो एड मिला मुझे 10 का दम का। उसके बाद वहां से मुझे एकता के मैम ने पिक किया बिकॉज वो सोनी टीवी पे आया था, सोनी टीवी को मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनके 2 या 3 शोज आ रहे थे, उन्होंने तीनों शोज में कहा कि इस लड़की को हमें चाहिए, आप बताओ कौन लेगा। बट एकता मैम पिक मी अप, उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ बनाना है, इसके साथ काम करना है। एंड देन वहाँ मैंने काम किया, मैंने 3 सीजन किए वहाँ पे। उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स की फिल्म की AK वर्सेस AK